पंजाब में दलित वर्ग से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हाईकमान के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पहली बार दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने मिसाल पेश की है। लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो काफी सोच विचार और मनन के बाद लिया है, तो जो भी निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को जो है उस निर्णय पे जो है चलना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, अमल करना चाहिए। जो नए मुख्यमंत्री बने उनको मैं जो है शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी इकट्ठे होकर लड़ेगी, एकजुट होकर लड़ेगी, और जो मुख्यमंत्री बने वो दलित वर्ग से संबंध रखते हैं। तो ये भी पहली बार हुआ है कि पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने जो है दलितों को अधिमान दिया है, तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और 2021 में जो अगला वर्ष है चुनाव का 2022 में पंजाब में भी कांग्रेस जो है सत्ता। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से पंजाब में विकास और तेज होगा। राठौर ने कहा कि पंजाब की आबादी का लगभग 32% वर्ग दलित है, जिसको देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने ये काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया है। जब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ मैं लगातार जो है लोगों के बीच में हूँ, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, और यहाँ तक कि जब कोरोना का समय था उस वक्त भी जो है हम लोगों के बीच में रहे हैं, और आज उसका जो परिणाम है सामने आ रहा है, जिस ढंग से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं और विपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका को जो है कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जो है निभा रही है। जो भी सरकार के जनविरोधी काम है उन कामों के खिलाफ, उन निर्णयों के खिलाफ जो है कांग्रेस लगातार लामबंद है और सड़कों में आके जो है आंदोलन कर रही है। और अभी भी मैं दौरा करके आया हूँ, पहले रामपुर, उसके बाद कुल्लू, कुल्लू में एक बहुत बड़ी हमारी जनसभा हुई जिसमें प्रदेश के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। उसके बाद मैं लाहौल स्पीति गया क्योंकि लाहौल स्पीति में अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, तो जो जिला परिषद के हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, मैंने उनके नामांकन में हिस्सा लिया। उसके बाद मैं कुल्लू मंडी फिर से दौरा करते हुए शिमला पहुंचा। तो मुझे ये लगता है कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और भाजपा का जो मिशन रिपीट का सपना है वो पूरा होने वाला नहीं है। और अभी एक प्रतिष्ठित अखबार है, जो दैनिक अखबार है दिल्ली का, उनका एक सर्वे आया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होने 2022 में, वहाँ उन्होंने जो है व्यापक सर्वे किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल को उन्होंने बहुत अच्छा अंका है और हिमाचल की जो पार्टी की गतिविधियां हैं, संगठन की जो गतिविधियां हैं, उनको मान्यता दी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में, हालांकि अभी समय लगभग एक वर्ष का समय रह गया है, हमें संगठन की गतिविधियों को और ज्यादा आगे बढ़ाना होगा और 2022 जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस जो अभी तक देखा है, जब भी सोनिया जी, प्रियंका जी या राहुल जी शिमला आते हैं तो वो अपने व्यस्तता से समय निकाल के यहाँ आते हैं और आराम के लिए आते हैं, तो ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि उनके आराम में हमें खलल नहीं डालना चाहिए, वो आए हैं तो उन्हें जो है इतनी व्यस्तता, सोनिया जी की दिल्ली में रहती है, प्रियंका जी भी यूपी को लेके बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, राहुल जी तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो अब परिवार इकट्ठा हुआ है तो मुझे लगता है कि मैंने कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि परिवार आराम करने आया है तो वो आराम करे ताकि और ज्यादा ऊर्जा के साथ जो है वापस जाए और संगठन की गतिविधियों को चलाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश चौहान की रिपोर्ट।